दोस्तों महबूबा मुफ्ती है तो एक भारतीय नेता, पर उनकी जबान में वही शब्द है जो पाकिस्तान की आधिकारिक लाइन है। पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर भारत से बातचीत की मांग करता रहा है और महबूबा भी यही मांग है। समझना मुश्किल हो जाता है कि महबूबा मुफ्ती भारतीय हैं या पाकिस्तानी। महबूबा नाम की भारतीय जरूर हैं, पर जबान से पाकिस्तानी हैं और आए दिन वो अपनी जबान से पाकिस्तान की ही बात करती हैं। महबूबा मुफ्ती ने देश के लिए नए गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी है। धमकी देते हुए कहा है कि मुक्ता ना करो, कश्मीर समस्या को सुलझाना है तो पाकिस्तान से बातचीत करो। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है और पाकिस्तान से बातचीत की मांग की है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत 1947 से ही कश्मीर को एक राजनीतिक समस्या की तरह देख रहा है, पर भारत असल समस्या को समझ नहीं सका है। लोगों से बातचीत करके ही समस्या का समाधान होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देश का नया गृह मंत्री अमित शाह मुक्ता ना करे और कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए तुरंत पाकिस्तान से बातचीत करे। वैसे अब देखना ये होगा कि देश के नए गृह मंत्री अमित शाह महबूबा मुफ्ती और कश्मीर को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। महबूबा मुफ्ती शायद अमित शाह को ठीक से समझती नहीं है, क्योंकि अमित शाह सेक्युलर नेताओं को कभी मुंह लगाते नहीं और महबूबा मुफ्ती ये समझकर चल रही हैं कि अमित शाह उनकी राय को मानेंगे तो कदाचित महबूबा मुफ्ती अमित शाह के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।